तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है, जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए हुए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पे कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है लेकिन उसके पास में उसी का बनाए हुआ वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां पे टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैनुअली निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुला क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुटियाप मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहाँ से भागा कैसे जाए। हालांकि यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था लेकिन फिर भी टोनी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता है, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से अभी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेरेस को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेरेस उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है और उसे तब बहुत और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता है और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं कि नहीं
नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बना। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता और कहता है कि गजब लौंडे, इस पर तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आयरन सब मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस से अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी, वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था अब टेरर ग्रुप भी वैसे ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है या फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा। तब टोनी कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता है अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेते अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये आयरन मैन ही है क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पर टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता है और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को इस टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुनकर वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहां पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नजर कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया और जब पेपर वहां से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा
नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर शार्क रिएक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि वाक रिएक्टर छीन ले जाता है, जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था, जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था, जिससे कि वो सही सलामत था, जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे, जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पे टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहां से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास में उसी का बनाया वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था, जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है। तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैन्युअली निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुट्टिया आप मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ में
देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहाँ से भागा कैसे जाए। हालांकि यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पर तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से अभी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है, और उसे तब बहुत गुस्सा आता है और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता है और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था, और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बना। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लौंडे, इस पे तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता है। वहीं दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वहीं टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आयरन सब मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है। जिसके बाद अब टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगू की थी, वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था अब टेरर ग्रुप भी वैसी ही मिसाइल को खुद से बना रही है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा था। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन
उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे, लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये आयरन मैन ही है, क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पर टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए, जिससे कि कोई भी आयरन मैन बन के दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को इस टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शॉक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया। और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरी उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे, क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है, जिसकी वजह से टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पिटकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहां से चला जाता है,
लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है लेकिन उसके पास में उसी का बना हुआ वेपन आके गिरता है जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता है और उसे एक अवार्ड देता है जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैनुअली निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुट्टियां मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहां से भागा कैसे जाए। हालांकि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था लेकिन फिर भी टोनी यहां से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से भी कनेक्ट करके रखा है और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है और उसे तब बहुत साथ और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का, अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता है और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे? तब वो आदमी कहता है कि हां जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है जिस
इसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लॉन्ड है, इस पर तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आखिरी एक्टर बना है मैंने उससे भी ज़्यादा एडवांस आखिरी एक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आखिरी एक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हर्ट तक जाने से रोकता है ये आखिरी एक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता है। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आयरन सब मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद अब टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आखिरी एक्टर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगू की थी, वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था अब टेरर ग्रुप भी वैसी ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा था। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह आयरन मैन ही है क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आखिरी एक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आखिरी एक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आखिरी एक्टर को बनाया था जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि वो आखिरी एक्टर छीन ले जाता है, जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आखिरी एक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड डायरेक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पिटकलू अब उस आखिरी एक्टर को लेकर अपने वॉक
वर्कशॉप में जाता है जहाँ पर उसने आयरन सोर्ड को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलो भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस राक रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहाँ पर आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है जहाँ पर अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था, जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पर आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था, जिससे कि समझ में आता कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पर हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पर लड़ रहे थे जहाँ पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकली के कहने पर, जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहाँ से निकल जाऊँ और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पर पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पर मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता है और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपनी डिजाइन की हुई वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है, जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है लेकिन उसके पास में उसी का बनाया वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है, और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता है और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैन्युअली निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और जैसे ही तुम मिसाइल बनाकर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुटिया मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहां से भागा कैसे जाए। हालांकि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहां से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी
को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से भी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेरेस को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेरेस उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है और उसे तब बहुत गुस्सा आता है और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है, जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था, जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का, अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लौंडे, इस पर तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर्ड टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आइस मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी की नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ है जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी कि तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती है जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी। वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था अब टेरर ग्रुप भी वैसी मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर
ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह आयरन मैन ही, क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते, बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया, जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए, जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पर जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को स्टेरिस ग्रुप में किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया, और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरी उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकलू को गुस्सा आने लगता है टोनी पे, क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकलू की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि वो आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है, जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकले अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलो भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी है, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए हुए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पे कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास में उसी का बनाए हुआ वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां पे टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और
रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता है और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैनुअली निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुला क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुट्टियाँ मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो, ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहां से भागा कैसे जाए। हालांकि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहां से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से अभी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेरेस को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेरेस उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल भी दे देते, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है और उसे तब बहुत और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता है और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बना। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे? तब वो आदमी कहता है कि हां जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लौंडे, इस पे तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस्ट में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर।
साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वहीं दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वहीं टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है, जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आयरन सब मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस से अपने सूट में चेंजेस करता है, जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे, जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ, जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी। टोनी अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती है जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी। वो आके टोनी को कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था, अब टेरर ग्रुप भी वैसे ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में, उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा था। तब टोनी कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है। और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है, जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता है अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेते अपने सिस्टम पे, लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये आयरन मैन ही है, क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पे कंफर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते, बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए, जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता है और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को इस टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुनकर वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहां पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नजर कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया। और जब पेपर वहां से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे, क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है, जिसके बिना अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है आयरन
मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था, जिससे कि समझ में आता कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पर हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पर लड़ रहे थे जहाँ पर बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकली के कहने पर। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहाँ से निकल जाऊँ और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पर पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पर मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पे टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है लेकिन उसके पास में उसी का बनाया वेपन आके गिरता है जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहाँ पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता और उसे एक अवार्ड देता है जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैन्युअली निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुट्टियां मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहां पर तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहाँ से भागा कैसे जाए। हालांकि यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था लेकिन फिर भी टोनी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से भी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है और उसे तब बहुत गुस्सा
साथ, और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं, जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था, और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता है और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लौंडे, इस पर तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है, मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है, जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे, जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता है। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है, जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आइस मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है। जिसके बाद अब टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है, जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे, जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आग रिएक्टर पड़ा हुआ, जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती, जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगू की थी। वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था, अब टेरर ग्रुप भी वैसी ही मिसाइल को खुद से बना रही है, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में, उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा था। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है, और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है, जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है, और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे, लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है, और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है, लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह आयरन मैन ही है, क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले, जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते, बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे
कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए, जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को स्टेरिस ग्रुप में किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया, और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है, क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे, क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आखिरी एक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आखिरी एक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आखिरी एक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि वो आखिरी एक्टर छीन ले जाता है, जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आखिरी एक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड एक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आखिरी एक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस आखिरी एक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है, और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था, जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आखिरी एक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आखिरी एक्टर को चालू कर दो, ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आखिरी एक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आखिरी एक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में यह मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था, और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की हुई वेपन को दिखाता है, और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास में उसी का बनाया वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है, और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड किया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था, जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता है और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं
बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैन्युअली निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया, और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि चुतियाप मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो, ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहां से भागा कैसे जाए। हालांकि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहां से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से भी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है, और उसे तब बहुत साथ और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है, और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं, जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था, और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे? तब वो आदमी कहता है कि हां जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लौंडे, इस पे तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है, मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है, जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे, जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है, जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है, और इसी वजह से आयरन
सूडा पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से ऐसा मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी की नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ है जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। कि तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती है जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी। वो आके टोनी को कहती है कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था, अब टेरर ग्रुप भी वैसे ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है या फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते हैं कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा था। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह आयरन मैन ही है क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को इस टेररिस ग्रुप में किडनैप करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरी उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि वो आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था। तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन
मंगर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा। और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहाँ पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकली के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहाँ से निकल जाऊँ और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मंगर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है जिसकी वजह से आयरन मंगर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता है और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है। तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी है। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए हुए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है लेकिन तभी टोनी की कार पे कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है लेकिन उसके पास में उसी का बनाए हुआ वेपन आके गिरता है जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां पे टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता और उसे एक अवार्ड देता है जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैन्युअली निकालना इंपॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुला क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुटियाप मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहाँ से भागा कैसे जाए। हालांकि यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था लेकिन फिर भी टोनी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से अभी कनेक्ट करके रखा है और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेरेस को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेरेस उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है और उसे तब बहुत गुस्सा आता
और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है, जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है और तब सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता है और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था, जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता और कहता है कि गजब लौंडे, इस पर तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वही दूसरे टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आयरन मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी, वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था अब टेरर ग्रुप भी वैसे ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा। तब टोनी कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है। अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है, टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता है अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेते अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये आयरन मैन ही है क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया, जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे
कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए, जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता है और दोष मुझ पर जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है, और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को स्टेरिस ग्रुप में किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुनकर वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया, और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है, क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे, क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है, और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है, जिसके बिना अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है, और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था, जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था, जिससे कि वो सही सलामत था, जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो, ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था, और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते कि टोनी वहां पे आ जाता, और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है, और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है, और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास में उसी का बनाया वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है, और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था, जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं
बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैनुअली निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया, और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि छुट्टियां मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो, ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहाँ से भागा कैसे जाए। हालांकि यहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से भी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है, और उसे तब बहुत साथ और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर उड़कर वहां से चला जाता और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था, और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता है और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे? तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लॉन्ड, इस पे तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता है। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बनाया हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन
सूट पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आई सब मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। कि तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगू की थी, वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था अब टेरर ग्रुप भी वैसी ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा था। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता है अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह आयरन मैन ही है क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे उसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और
और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए, जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पे टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते हैं कि टोनी वहां पे आ जाता और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की हुई वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है, जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है। और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पे कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास में उसी का बनाया वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है। और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था, इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था, जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता है और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है कि तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है, और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे, जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैन्युअली निकालना इम्पॉसिबल था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया, और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और जैसे ही तुम मिसाइल बनाकर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि चुतिया मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा, क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो, ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहां से भागा कैसे जाए। हालांकि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहां से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से भी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेररिस्ट को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेररिस्ट उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल्स भी दे देते, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है, और उसे तब बहुत साथ और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं, जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का, अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता है, जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता है और कहता है कि गजब लौंडे, इस पे तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए, जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है, मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है, जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे, जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वही दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट, जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वही टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है, जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वजह से आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से ऐसा मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है, जिसके बाद टोनी वापस अपने सूट में चेंजेस करता है, जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी की नजर जाती है गिफ्ट पे, जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ है, जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है और क्लियर अगर मैं कहूं तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी। कि तभी वहां पे वो रिपोर्टर आती है जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी, वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था, अब टेरर ग्रुप भी वैसी मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता और वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में, उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहते कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा। तब टोनी कहते कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है। टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेती है अपने सिस्टम पे, लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि यह आयरन मैन ही, क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ, लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पे टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए, जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता और दोष मुझ पर जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है
और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को स्टेरिस ग्रुप में किडनैप करवाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुन के वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है, लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया। और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है, क्या आप टोनी को जानते हो? क्या आप मेरी उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे, क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे, क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था, जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि आर्क रिएक्टर छीन ले जाता है, जिसकी वजह से अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था, तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है, जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर, और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है, जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है, जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं, जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है, लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था, जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा, और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो, ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आर्क रिएक्टर का सारा असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए। जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है, जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता है और एक लेटर देता है कि जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पर टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी है। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, वहीं पे यूएस आर्मी भी होती है जो कि ऐसे शख्स का इंतजार कर रही थी जो कि वेपन्स बनाता था और उसका नाम था टोनी स्टार्क। फिर कुछ देर में हम देखते हैं कि टोनी वहां पे आ जाता है और फिर वहां पे टोनी यूएस आर्मी को अपने डिजाइन की वेपन को दिखाता है और फिर वो बताते कि मेरे इस वेपन में इतनी ताकत है कि वो एक पूरे शहर को चुटकी भर में धूल बना सकता है। जिसके बाद उस मिसाइल को टेस्ट किया जाता है और इससे हम समझते कि टोनी इधर आया था अपने खुद के बनाए हुए वेपन को यूएस आर्मी को बेचने के लिए, जिससे कि वो बहुत अमीर होने वाला था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी टोनी की कार पर कोई हमला कर देता है और टोनी के साथ में जो जवान थे वो टोनी को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। तब टोनी अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है, लेकिन उसके पास में उसी का बनाए हुआ वेपन आके गिरता है, जिसके फट जाने से वो बहुत दूर जाके गिरता है और घायल हो जाता है। और अब हमें एक दिन पहले का टाइमलाइन दिखाया जाता है, जहां पर टोनी को बेस्ट वेपन डिजाइनर का अवार्ड मिलता है और ये जो कंपनी टोनी चला रहा था, इस कंपनी को टोनी के पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन जिस जगह पे अवार्ड दिया जा रहा था वहां पे टोनी मौजूद ही नहीं था, तो उसका अवार्ड कोई और रिसीव कर लेता है। लेकिन अगर टोनी अवार्ड फंक्शन में नहीं था तो असल में वो कहां था? टोनी एक कैसीनो में था, जहां पे उसका दोस्त जेम्स रोडी आता और उसे एक अवार्ड देता है, जिस पे टोनी कहता है कि यार मैं इस अवार्ड का क्या करूंगा, मैं इसे कहां पे रखूंगा, मेरे घर में तो जगह ही नहीं है। और फिर वो अपना अवार्ड किसी फैन को देके वहां से निकलने लगता है। तभी एक रिपोर्टर आके आयरन मैन से पूछती कि क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने इस वेपन डिजाइनिंग से, क्योंकि आपके वेपन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिससे कि मासूम लोगों की जानी जा सकती है और हो सकता है कि इससे पूरा देश भी तबाह हो जाए। लेकिन टोनी कहता है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, क्योंकि अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो लोग हमें मार देंगे, इसलिए खुद का बचाव के लिए वेपन्स जरूरी है। जिसके बाद अब वो दोनों साथ में गुटरगू करते हैं, जिसके बाद टोनी को पता चलता है कि उसकी अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट है और फिर टोनी अपने प्राइवेट जेट से अफगानिस्तान में आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम की तरफ, जब टोनी बेहोश और एक बैटरी से कनेक्टेड है। जब उसे होश आता है तो घबरा जाता है कि मेरे साथ में बैटरी क्यों लगी हुई है। वापस से होश में आने के बाद वो अपने बगल में बैठे आदमी से पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तब वो आदमी बताता है कि जब तुम्हारे बगल में वो बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था तो बहुत सारे मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स तुम्हारे बॉडी में चले गए थे
जो कि इतने छोटे थे कि उनको मैनुअली निकालना इम्पॉसिबल था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि उन पार्टिकल्स को तुम्हारे हर्ट तक ना जाने दिया जाए, जिसके लिए हमने तुम्हारे चेस्ट पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन लगाई है, तो तुम चिंता मत करो। अब हमें पता चलता है कि टोनी को टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया, और तभी वहां पे उन टेररिस्ट का लीडर आता है। वो टोनी से कहता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किडनैप करके क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें इसलिए बुला क्योंकि मुझे ये तुम्हारा बनाया हुआ मिसाइल बहुत पसंद है, और जैसा कि तुम जानते हो कि यूएस आर्मी ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि वही सेम मिसाइल तुम हमारे लिए भी बनाओ, और जैसे ही तुम मिसाइल बना कर दोगे तो मैं उन पर अटैक करके तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन टोनी साफ मना कर देता और कहता है कि ये तुम्हारी भूल है, मैं तुम्हारे लिए मिसाइल बना के नहीं दूंगा। लेकिन तभी टोनी के साथ वाला आदमी कहता है कि चुतियाप मत करो, तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें मिसाइल बनाना ही होगा क्योंकि एक ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हें यूएस आर्मी भी ढूंढ नहीं पाएगी। और ये जो आदमी आप टोनी के साथ देख रहे हो, ये भी एक वेपन डिजाइनर हुआ करता था जिसको टेररिस्ट ने किडनैप करके लाया था। अब टोनी और वो दोनों मिलकर सोचते कि आखिर यहां से भागा कैसे जाए। हालांकि यहां से भागना तो इम्पॉसिबल सा लग रहा था, लेकिन फिर भी टोनी यहां से निकलने की कोशिश करना चाहता था। वहीं पे तब वो आदमी कहता है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, जिसके बाद टोनी कहता है मेरी तो कोई फैमिली नहीं है, बस एक ड्राइवर और एक असिस्टेंट है। जिसके बाद वो दोनों आइडिया लगाते कि वो दोनों एक ऐसा सूट बनाएंगे जो कि बुलेट प्रूफ होता, कि जब हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे तब वो लोग हम पे फायर तो जरूर करेंगे, तब हमें कुछ भी ना और हम आराम से बाहर निकल जाए। तब वो आदमी टोनी को बताता कि तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मशीन है उसे बस वही बैटरी चला सकती है जिसको मैंने तुम्हारी बॉडी से अभी कनेक्ट करके रखा है, और अब हमें और बैटरी चाहिए जिससे कि तुम्हें और मुझे प्लान को सफल बनाने में दिक्कत ना आए, लेकिन उस सूट को चलाने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर टेरेस को लग रहा था कि टोनी और वो आदमी मिलकर हमारे लिए वो मिसाइल बना रहे हैं, इसलिए वो टेरेस उनको मिसाइल बनाने के लिए मटेरियल भी दे देते क्योंकि उनको पता नहीं था कि मिसाइल बनाते कैसे। लेकिन जब वो सूट तैयार होता है तो इस बात की खबर टेरर ग्रुप के लीडर को भी पता चल जाती है, और उसे तब बहुत और वो जाके टोनी के साथ वाले आदमी को बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है। जिसके बाद वो टोनी सूट पहनता है और उसमें सारे पैक्स अपलोड कर देता है, और तब उस सूट में पावर भी आ जाती है जिसके बाद वो सबको पेलता हुआ गुफा से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद सबसे पहले तो वो अपने वेपन्स को जला देता है और फिर वो उड़कर वहां से चला जाता है और गिरता है रेगिस्तान के बीच में। तभी टोनी को उसकी टीम खोज लेती है और वापस अपने घर में लेके आ जाती है, जहां पर टोनी के फादर के फ्रेंड भी होते हैं जिसने टोनी के पापा के साथ में मिलकर इस वेपन की कंपनी को खोला था। जिसके बाद अब टोनी कहता है कि मैं लाइव आना चाहता हूं और पूरे यूएस के सामने कॉन्फ्रेंस में सभी से बात करना चाहता हूं। जिसके बाद अब टोनी पूरी दुनिया के सामने बैठा था, तो वो कहता है कि टेरर ग्रुप ने मुझे अफगानिस्तान से निकलते वक्त किडनैप कर लिया था, और फिर उन लोगों ने डिमांड किया कि मैं उन लोगों को वेपन्स बना के दूं। अब मैंने ये सोचा कि जब मेरे वेपन्स से दुनिया में इतनी अशांति फैल रही है और वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी मेरे वेपन्स को खरीद के हमसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने अब डिसाइड किया कि इस कंपनी को बंद करने का। अगर बंद ना भी हो तो मैं आपसे कोई भी वेपन्स डिजाइन नहीं करूंगा। जिसके बाद टोनी के पिता के दोस्त बीच में इंटरफेयर करते और कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, टोनी बेचारा अभी अपनी जान बचा कर आया है, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा सा हिल गया, अभी भी उस सदमे में है, इसलिए वो इतनी बकचोदी कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बना। तभी टोनी वहां से निकल जाता और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी जाता और टोनी से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुम अफगानिस्तान से बचे कैसे और उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था। तो टोनी उसे सारी बात बताता और ये भी बताता कि उसने एक आयरन सूट बनाया था जिसकी मदद से वो वहां से भाग पाया, तो क्या तुम भी एक छोटे आग रिएक्टर को देखना चाहोगे? तब वो आदमी कहता है कि हां जरूर। तब टोनी अपने शर्ट के बटन को खोल के उसे वो आग रिएक्टर दिखाता जिसको देख के वो आदमी शौक हो जाता और कहता है कि गजब लौंडे, इस पे तो हम काम करके इसे पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहिए जिससे कि हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन टोनी सीधा मना कर देता और जाता अपने असिस्टेंट पेपर पॉट्स के पास में और उसे कहता है कि मेरे चेस में जो आग रिएक्टर बना है मैंने उससे भी ज्यादा एडवांस आग रिएक्टर बनाया है जिसको मैं चाहता हूं कि तुम उसे चेंज कर दो। तब पेपर टोनी से पूछती है कि आखिर इस आग रिएक्टर से होता क्या। तब टोनी उसे बताता है कि अफगानिस्तान के हादसे में मेरे अंदर कुछ मेटल के स्मॉल पार्टिकल्स चले गए थे जिसको मेरे हार्ट तक जाने से रोकता है ये आग रिएक्टर, साथ ही वो मुझे पावर और एनर्जी भी देता। वहीं दूसरी ओर टेरर ग्रुप के लोग को उस रेगिस्तान में मिलता है टोनी का बना हुआ सूट जिसको एक साथ जोड़ के वो देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। वहीं टोनी भी अपने पहले आयरन मैन सूट को बनाने पे लग चुका था। टोनी अपने सूट के अंदर थ्रस्टर्स फिट करता है जिसके मदद से वो आराम से तेजी के साथ में उड़ सकता था। अब सूट को पहन के वो जार्विस को कमांड देता है कि एकदम ऊपर तक उड़ाओ, लेकिन जब वो काफी ज्यादा ऊपर आ जाता है तो जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था कि आयरन कंपेयर टू वुड जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है, इसलिए अब इतने ऊपर जाने के बाद टोनी का आयरन सूट फ्रीज हो जाता है और इसी वैसे आयरन सूट अब पूरा शट डाउन हो जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन अब नीचे गिरते वक्त वापस से आयरन मेल्ट होने लगती है और टोनी वापस से जार्विस को स्टार्ट कर देता है और फिर वो बच जाता है। जिसके बाद टोनी वापस से अपने सूट में चेंजेस करता है जिससे कि अब वो कितना भी ऊपर जाएगा उसका सूट फ्रीज नहीं होगा। जिसके बाद टोनी के नजर जाती है गिफ्ट पे जो कि पेपर पॉट्स ने रखा था। गिफ्ट खोलने पे टोनी देखता है कि उसके अंदर उसका ओल्ड वाला आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ जिस पे लिखा था कि प्रूफ दैट टोनी हैज अ हार्ट। जिसके बाद अब टोनी एक पार्टी में जाता है जहां पर पेपर पॉट्स में मौजूद थी टोनी, अब उसके साथ में डांस करता है
और क्लियर अगर मैं कहूँ तो उनके प्यार की अब शुरुआत हो चुकी थी कि तभी वहाँ पे वो रिपोर्टर आती जिसने पहले भी टोनी के साथ में गुटरगु की थी। वो आके टोनी को कहती कि जो मिसाइल तुमने अफगानिस्तान में दिखाया था, अब टेरर ग्रुप भी वैसे ही मिसाइल को खुद से बना रही है और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब तुम्हारी परमिशन से हो रही है, फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने को कहा है। इस फोटो को देख के टोनी को बहुत गुस्सा आता है, वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि उसके पिता के दोस्त ही कर सकते जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। तब टोनी सीधा जाता अपने पिता के दोस्त के पास में, उनसे पूछता है कि क्या तुमने ये सब मिसाइल वहां पर भेजे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ मैंने ये सब भेजा है और मुझे ये करना पड़ा। तब टोनी कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया है कि वो टेरर ग्रुप कितने मासूमों की जान ले रहे और तुमने ही उन लोगों को मेरे मिसाइल दे दिए ताकि वो और आतंक फैलाए। लेकिन वो आदमी टोनी की बातों को इग्नोर कर देता है, जिसके बाद अब टोनी घर आता है और खुद ही से सिचुएशन को हैंडल करने की सोचता है। और अब टोनी अपने सूट को बहुत एडवांस कर देता है, टोनी उसमें अपने सारे वेपन्स को लगा देता है जो कि दिखने में छोटे थे लेकिन थे धमाकेदार। जिसके बाद अब टोनी सीधा उड़ के जाता है अफगानिस्तान में और वहां पे सारे टेररिस्ट को मारता है और साथ ही में वो अपने ब्लास्टर से उन स्टार्क इंडस्ट्रीज की मिसाइल को भी बर्बाद कर देता है। ये सारी चीजों को यूएस आर्मी देख लेते अपने सिस्टम पे लेकिन वो पहचान नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद अब टोनी अपने दोस्त रोडी को फोन करता है और कहता है कि ये ब्लास्ट मैंने ही किया है और तुम संभालो इस सिचुएशन को। जिसके बाद पूछने पर रोडी कहता है कि शायद ये सारी चीजें बहुत सारे एनिमीज के अटैक से हुई है और वो टोनी को इस मैटर से बाहर निकाल देते। अब जब टोनी के फादर के दोस्त को जब ये बात पता चलती है कि कोई चीज ने उन टेरर ग्रुप के बेस को झटके में बर्बाद करके गायब हो गया, तब वो सीधा जाता है अफगानिस्तान में और मिलता है टेरर ग्रुप के लीडर से। तब वो लीडर कहता है कि हम जानते कि इसके पीछे कौन है लेकिन हम अभी चुप रहेंगे क्योंकि हम पूरे डिटेल्स को जानना चाहते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि ये आयरन मैन ही है क्योंकि उसके यहाँ से भागने के बाद में डेजर्ट में हमें वैसे ही सूट के टुकड़े मिले जिसको जोड़ने पर कन्फर्म हो गया कि ये वही है। जिसके बाद वो लीडर कहते हैं कि अगर तुम मुझे पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हें सूट के टेक्नोलॉजी को बता सकता हूँ। लेकिन टोनी के पिता के दोस्त ऐसा नहीं करते बल्कि वो उनको डरा कर वो सूट अपने साथ में लेके आ जाते हैं। वहीं पर टोनी को पता चल जाता है कि उसके ड्रेस को किसी ने चुरा लिया। जिसके बाद वो तुरंत पेपर पॉट्स के पास में जाता है और उसे कहता है कि कैसे भी करके मुझे इसे रोकना होगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास में ना चली जाए जिससे कि कोई भी आयरन मैन बनकर दूसरों को तकलीफ दे सकता है और दोष मुझ पे जाएगा। अब पेपर पॉट्स टोनी के पिता के दोस्त के ऑफिस में जाती है और उसके कंप्यूटर से वो सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करने लगती है और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इसी आदमी ने टोनी को इस टेररिस्ट ग्रुप में किडनैप करवाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोनी इस कंपनी में थोड़ा भी शेयर होल्डर हो। ये सुनकर वो बहुत शौक हो जाती है और कॉपी कंप्लीट करके जाने वाली होती है कि तभी वहाँ पे वो टकलू आ जाता है लेकिन पेपर पॉट्स अपनी चालाकी से उसे बातों में उलझा के वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जब टकलू की नज़र कंप्यूटर पर जाती है तो वो समझ जाता है कि इस पेपर पॉट ने पूरे डेटा को चुरा लिया। और जब पेपर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी एक आदमी आता है जिसका नाम फिल होता है। वो पेपर को कहता है क्या आप टोनी को जानते हो, क्या आप मेरे उससे मीटिंग फिक्स करवा देंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं। वहीं दूसरी तरफ अब उस टकले को गुस्सा आने लगता है टोनी पे क्योंकि वो जानता था कि अब टोनी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसे इस टकले की सारी सच्चाई भी पता चल चुकी है। जिसके बाद वो जाता है अपने साइंटिस्ट के पास में आर्क रिएक्टर के बारे में पूछने के लिए लेकिन साइंटिस्ट उस आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे टोनी ने एक गुफा के अंदर इस आर्क रिएक्टर को बनाया था जिससे कि टकले को और गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है टोनी के घर में और एक डिवाइस को यूज करके उसे पैरालाइज कर देता है और टोनी के सीने से उसका हर्ट यानी कि वाक रिएक्टर छीन ले जाता है। जिसके बिना अब टोनी बहुत बीमार होने लगता है और वो समझ गया था कि उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में एक पुराना आर्क रिएक्टर है जिसको उसने गुफा में बनाया था। तो वो सीधा अपने उस एक्सपेरिमेंट रूम में जाता है और वो ओल्ड रिएक्टर को पहन लेता है और फिर अपने सूट को पहन लेता है और निकल पड़ता है। वहीं पे टकलू अब उस आर्क रिएक्टर को लेकर अपने वर्कशॉप में जाता है जहां पर उसने आयरन सूट को छिपा के रखा था जिसको टोनी ने गुफा में बनाया था। फिर टकलू भी उसमें कुछ चेंजेस करता है और उस बड़े से सूट को नाम देता है आयरन मॉन्गर और फिर वो उस आर्क रिएक्टर को उसके अंदर फिक्स कर देता है जिससे कि वो सूट अब एक्टिव हो जाता है और ये सूट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन तभी वहां पे आयरन मैन भी आ जाता है और अभी सीन इस मूवी का सबसे डोप सीन होता है जहां पे अब आयरन मैन वर्सेस आयरन मॉन्गर चल रहा था। जिसके बाद अब लड़ते लड़ते वो दोनों रोड पे आ जाते हैं जिसके बाद टोनी को समझ में आता है कि सूट में एक कमी है और फिर वो एकदम से ऊपर उड़ने लगता है। आयरन मॉन्गर भी उसके पीछे जाने लगता है लेकिन तभी हाइट आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट जम जाता है लेकिन आयरन मैन ने अपने सूट को चेंज कर दिया था जिससे कि वो सही सलामत था। जिससे कि समझ में आता है कि आयरन मैन अपनी गलतियों से सीख के उसी टाइम उसे ठीक कर दिया करता था। लेकिन नीचे आने के बाद में आयरन मॉन्गर का सूट वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो वापस से आयरन मैन पे हमला करने लगा और ये दोनों उसी बिल्डिंग की छत पे लड़ रहे थे जहां पे बड़ा सा आर्क रिएक्टर बनाया जा रहा था टकले के कहने पे। जिसके बाद अब टोनी पेपर को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ कि आर्क रिएक्टर को चालू कर दो ताकि मौका पाके मैं यहां से निकल जाऊं और इस आर्क रिएक्टर का सारा
असर आयरन मॉन्गर पे पड़ जाए, जिसके बाद अब पेपर उस आर्क रिएक्टर को स्टार्ट कर देती है जिसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल के आती है, जिसकी वजह से आयरन मॉन्गर वहीं पे मारा जाता है और इस दुनिया से एक और संकट टल जाता है। अब नेक्स्ट सुबह टोनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर सभी टोनी से पूछना चाहते थे कि आखिर में आयरन मैन कौन है। तब टोनी के पास में फिल आता और एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि आपको दुनिया को कहना है कि सूट में मेरा एक सिक्योरिटी गार्ड था और ये सब लड़ाई उसी ने करवाई है। जिसके बाद अब टोनी सबके सामने आ जाता है, तब रोडी टोनी के कान में कहता है कि जो सच है वही बताना। जिसके बाद अब बहुत सोचने पे टोनी सबके सामने कह देता है कि द ट्रुथ इज आई एम आयरन मैन, और अब सबको पता चल जाता है कि असली आयरन मैन टोनी, और इसी के साथ में ये मूवी यहां पे खत्म हो जाती है।